हेलो, आज हम लोग देखेंगे भारत में बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों को और वहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि इसकी पहले की वीडियो जो हमने देखी थी वो भारत के तटीय भाग के बारे में संबंधित थी। भारत का तटीय भाग कैसा है, कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से तटीय हमारे राज्य हैं, उन सबको देखा था हमने। तो आज जो हम देखेंगे वो भारत में बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों को देखेंगे और कितने इम्पोर्टेंट है और कहाँ से वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या हमारा आज का, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। कहता है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है कहाँ, ये आप देख रहे होंगे भारत। ठीक है, और भारत में अगर आप वर्ल्ड का नक्शा देखें तो ये है भारत। भारत में ये जो सागर है ये है हिंद महासागर। अब हिंद महासागर के उत्तर में एक ये बंगाल की खाड़ी। ये खाड़ी क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो। आप यहाँ पर देखो, एक दो तीन, तीन तरफ से कहाँ से घिरा हुआ, चूल्हे तरीके बना हुआ है। तो ये जो बना हुआ है ये वह क्या है, खाड़ी। तीन तरफ से स्थल पाट से घिरा हुआ हो और एक तरफ से पानी से, यहाँ से पानी है तो ये क्या होती है, खाड़ी। और एक प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ भी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो ये अरबी खाड़ी है और ये बंगाली खाड़ी है। ठीक है, हाँ। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, बंगाली खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। देखिए, अब बंगाली खाड़ी देखेंगे आप तो ये है बंगाल, तो बंगाल के ही नाम से पड़ा हुआ बंगाली खाड़ी। तो ये है आपकी पूरी बंगाली खाड़ी। ठीक है, ये यानी पूर्वी तटीय राज्य इसमें आएंगे। और बंगाली खाड़ी में जो आपके द्वीप आएंगे ये है अंडमान निकोबार। ये देख पा रहे होंगे आप अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार जो है ये आपका बंगाली खाड़ी में आता है। ठीक है, कहता है बंगाली खाड़ी में मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार और द्वीप समूह आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे कि अंडमान ये है आपका और निकोबार ये है, तो अंडमान और निकोबार मिलके बनाते हैं अंडमान निकोबार। दोनों अलग अलग नाम है, तो इन दोनों के बीच जो रेखा गुजरती है ना, जो आपकी अक्षांश गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के बीच 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो 10 डिग्री अक्षांश गुजरती है। कौन सी रेखा उसे अलग करती है, तो 10 डिग्री चैनल उसे अलग भी करती है। कहता है इस चैनल की जो चौड़ाई है लगभग 150 किलोमीटर है। कितनी है, 150 किलोमीटर इस चैनल की चौड़ाई है। और चैनल क्या होते हैं जो एक दूसरे को अलग करते हैं, तो उसे हम चैनल बोलते हैं। तो यहाँ जो अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल बना हुआ है वो आपका लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। इसके बाद कहता है यहाँ यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। अंडमान निकोबार जो है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश हमने पिछली बार क्लास में देखा था कि 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनमें से अंडमान निकोबार एक था, है ना। तो उसी में आपका एक ये है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी अंडमान निकोबार है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पूरा भारत है आपका, ये इंडिया। ठीक है, और ये आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और ये अंडमान आइसलैंड है और ये आपका निकोबार आइसलैंड है। अब निकोबार यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि निकोबार आइलैंड के पास ही पड़ रहा है आपका इंडोनेशिया। यानी इंडोनेशिया से निकोबार की दूरी जो बचती है मुश्किल से 500 किलोमीटर के आसपास ही बचती है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये पूरा अंडमान का मैप है और ये पूरा है आपका निकोबार का। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट होंगे इसमें हम लोग उसको देखेंगे जरूर। ठीक है, हाँ। अब देखिए, कहता है अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है सैडल पीक है। अगर आपसे पूछ ले कि अंडमान का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो कौन सा है, सैडल पीक, जिसकी जो ऊंचाई है वो 732 मीटर ऊंचाई इसकी है। कहता है उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि अंडमान के जो कई पार्ट हैं आपका, ये नॉर्थ अंडमान है, ये देख पा रहे होंगे आप, नॉर्थ अंडमान है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है मिडिल अंडमान आता है, मिडिल अंडमान आपका ये हो गया। ठीक, फिर ये आपका साउथ अंडमान हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर आपका लिटिल अंडमान हो गया। अंडमान में वैसे हैं बहुत सारे द्वीप, लेकिन आपको सिर्फ ये मेनली चार याद रखने हैं। ठीक है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, इसके बाद लिटिल अंडमान। ठीक है, तो जो सरल पीक ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है, ये कहां पर है, उत्तरी अंडमान में, कहां पर, नॉर्थ अंडमान में ये चोटी स्थित है। कहते हैं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट थुलियर है। अब इतने पार्ट की जो ये
निकोबार है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी, माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 642 मीटर है, जो कि ग्रेट निकोबार में से। अब ग्रेट निकोबार कहाँ, ग्रेट निकोबार ये सबसे लास्ट जो द्वीप है वहां पर ही ग्रेट निकोबार है। जब हम बात कर रहे थे भारत के दक्षिणतम बिंदु की, इंदिरा इंदिरा पॉइंट की, तो कहाँ पर थी, ग्रेट निकोबार में स्थित था, ठीक है। तो वहां पर ही आपका सर्वोच्च शिखर जो है निकोबार का, माउंट थुलियर भी स्थित है। अगला कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा द्वीप भारत के कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है, जो कि 836 द्वीपों का समूह है, उसे मिलाकर क्या बनाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाता है। कहता है जिनमें से 38 स्थायी रूप से आवासित है, यानी 38 पर आबादी रहती है, जनता रहती है वहां पर, बाकी पर आपका निर्जन द्वीप समूह है। कहता है निकोबार के लगभग 22 मुख्य द्वीप आवासी हैं। अब इस 38 में स्थायी रूप से निवास है, लेकिन जो 38 है आपके, ये आपके अंडमान के हो गए, और निकोबार में जो है आपके, वो आपके 22 द्वीप जो है मुश्किल से निवासित हैं, और सॉरी 22 द्वीप हैं कुल, और इसमें आपके 10 ही आवासित है, यानी 10 में ही आबादी है। कहता है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। बैरन, बैरन जो द्वीप है वो यहाँ पर स्थित है, यानी जो बीच वाला अंडमान है उसके सामने, ये बीच वाला अंडमान है इसके जस्ट सामने बैरन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बैरन जो है द्वीप है, ये आपका ज्वालामुखी से बने हुए, देखिए एक बैरन है यहाँ पर, एक यहाँ पर नारकोटम बना हुआ है, नारकोटम नॉर्थ साइड मिलेगा आपको, ठीक है। जो दोनों बने हुए हैं ये वेलकैनो से बने हैं, यानी ज्वालामुखी प्रक्रिया से बने हैं, और ये दोनों ज्वालामुखी द्वीप हैं, ये कभी कभी सक्रिय भी होते रहते हैं, वर्तमान में दोनों सक्रिय हैं, ठीक है। कहता है पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूर पर उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है अंडमान निकोबार की, और ये जो है ये आपकी साउथ अंडमान में स्थित है। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, एक तो पहली बार आपको राजधानी याद रखनी है, क्या राजधानी है और कहाँ पर, कौन से अंडमान में स्थित है, नॉर्थ में, मिडिल में, साउथ में या फिर लिटिल में। तो साउथ अंडमान में इसकी राजधानी है, और नॉर्थ अंडमान में क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अब देखिए कहता है दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में भारत का पहला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, दक्षिण एशिया में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका नाम क्या है, नारकोटम है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्ड उद्गार 1787 में हुआ था। इस सागर में नारकोटम द्वीप भी स्थित है, जो कि एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। देखिए जो नारकोटम पहले था आपका, ये सक्रिय था, लेकिन वर्तमान में आपको सुप्त अवस्था में, लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकता है, यहां से गैसें निकलती रहती हैं, बैरन आपका सक्रिय है ही, ठीक है। तो कभी कभी दोनों दोनों फट जाते हैं, लेकिन आपका क्या है, बैरन जो है आपका वो बिल्कुल सक्रिय रहता है, और इसके बाद जो आपका नारकोटम ये सुसुप्त अवस्था में, यानी कभी भी फट सकता है, ठीक है। ज्वालामुखी की जब आप टाइप्स पढ़े होंगे तो वहां आपने ये चीज पढ़ी होगी। आगे आते हैं, ये आपको द्वीप हमने दिखाई दिए थे है ना, फिर भी मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। अब देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा। तो ये है अंडमान, ये है आपका नॉर्थ अंडमान, ये है मिडिल अंडमान, और ये है आपका साउथ अंडमान। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अंडमान के जो द्वीप हैं, लगभग 21 द्वीप अभी, और पहले 3 द्वीपों के नाम बदले जा चुके हैं है ना, ये और इन द्वीपों को जो नाम रखा गया है वो सभी स्वतंत्र सेनानी के नाम पे रखा गया है, ठीक है, और जो भारत के जवान थे तो उन सबके नाम पे ये रखा गया है। तो पूर्ण शताब्दी से अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ कहाँ के बदले गए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो सब आपको थोड़ा याद रखना करंट अफेयर से। इसके बाद नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और ये आपका लिटिल अंडमान, ठीक है। जो साउथ अंडमान है यहाँ पर इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और जो नॉर्थ अंडमान है यहाँ पर अंडमान निकोबार की राजधानी, यानी ए सबसे ऊंची चोटी, यानी नारकोर सैडल पीक, क्या है, सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक यहाँ पर स्थित है, ठीक। इसके बाद अंडमान में जो कि ज्वालामुखी द्वीप में कौन कौन से, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप जो है आपका ये राजधानी से उत्तर पूर्व दिशा में, देखिए यहाँ से आप लाइन खींचोगे तो कौन सी दिशा पर चली गई है, उत्तर पूर्व दिशा चली गई, और इसी के और उत्तर में जाएंगे आप तो नारकोटम द्वीप मिल जाएगा, जो कि जो दोनों है ये आपके ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका 150 किलोमीटर लंबा जो है ये आपका गैप जो आता है, ये 150 मीटर लंबा है, इसे क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। इतना आपका हो गया अंडमान निको अंडमान, और इसके बाद जो आपका आता है ये क्या है, ये है आपका
निकोबार, ठीक है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी माउंट थुलियर, वो कहाँ पर है, वो आपकी ग्रेट निकोबार है, और यहीं पर इंदिरा पॉइंट है जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी कहलाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब हम आते हैं आगे। कहता है अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति, अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीय पर्वतश्रेणी यानी अराकोम योमा के विस्तार से हुई है। अब अराकोम योमा क्या है ना, अराकोम योमा क्या है, आप देखिए। अराकुम आपका जो अराकुम योमा है वो यहाँ पर पर्वत है। हमने बताया था आपको कि जो हिमालय है वो कुछ इस प्रकार से गया है ना, और अरुणाचल प्रदेश के पास ये मुड़ जाता है और फिर ऐसे जाता है, ऐसे है ना। तो जो ये चोटी है, ये जो है आपका पहाड़ी जो म्यांमार में है, यहाँ ये लंबी पर्वत श्रृंखला को क्या बोलते हैं म्यांमार में, अराकुम योमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका अराकुम योमा। तो कहता है अंडमान निकोबार द्वीप की उत्पत्ति तृतीय पर्वत श्रेणी यानी अराकुम योमा के विस्तार से हुई है। अब विस्तार से कैसे हुई है, अंडमान निकोबार तो सागर में, अब देखिए कैसे। ये है आपका अंडमान निकोबार, ये ठीक है। अराकुम योमा के बाद जो हिमालय पर्वत है उसकी ऊंचाई कम हो जाती है और फिर ये समुद्र में समा जाता है, ठीक है। समुद्र में समा जाने के बाद फिर ये आगे बढ़कर, आगे चलकर यहां पर निकल के आता है जो कि हमें द्वीप टाइप के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार है वो हिमालय पर्वत का ही भाग है, हिमालय पर्वत का ही अंश है, ठीक है। तो ये आपको देखने को तभी मिलेगा जब आप उस पर एनालिसिस करोगे कि ये पार्ट आया कहाँ से, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये पार्ट हिमालय का ही पार्ट है। कहता बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टाने हैं। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार, दक्षिणतम अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बांडुरी समुद्री जैव मंडल प्रक्षण क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ वृहदकाय रॉबर केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब देखिए क्या है, कहाँ की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है दक्षिणतम दक्षिणी अंडमान की बात कर रहा है और ग्रेट निकोबार की बात कर रहा है। तो दक्षिण अंडमान कहाँ मिलेगा आपका, दक्षिण अंडमान यहाँ पर, साउथ अंडमान की बात कर रहा है, और ग्रेट निकोबार जो सबसे लास्ट में है, ठीक है, ये आपका निकोबार हो गया। कहता है भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। भारत का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर आते हैं हम, है ना, ये आपका ये पूरा पूर्वी तट है। यहाँ पर कहता है आंध्र प्रदेश के पास श्रीहरिकोटा जो पड़ता है, द्वीप पड़ता है जहाँ से हम सेटेलाइट भेजते हैं, है ना, PSLV GSLV से सेटेलाइट भेजते हैं, वहाँ पर आपका श्रीहरिकोटा जो द्वीप स्थित है ये पुलिकट झील के पास स्थित है, ठीक है। यहाँ पर आपकी पुलिकट झील है और यहाँ पर यहाँ पर श्रीहरिकोटा द्वीप जो बना हुआ है, ठीक है। और यहीं से ही इसरो जो है भारत की एजेंसी है वो आपके अपने सेटेलाइट लॉन्च करती है, ठीक है। तो पूछता है श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश के पास बना हुआ और पुलिकट झील के पास बना हुआ है, ये पूर्णतः आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये आप कुछ देख पा रहे होंगे, मैंने बताया ना आपको कि हिमालय का ही पार्ट है अंडमान निकोबार, जो ये इस प्रकार से फैला हुआ है और यहाँ पर मुड़ने के बाद ये आपका अराकोम पर्वत श्रृंखला चली जाती है और फिर इस प्रकार समा जाती है और फिर पानी में थोड़ी थोड़ी बाहर निकलती है और फिर कुछ इस तरह से ये शो करता है पूरी इंडियन प्लेट को, ठीक है। ये पूरी क्या है, ये पूरी आपकी इंडियन प्लेट है। जब आप प्लेटों को पढ़ेंगे आप, तो ये पूरी इंडियन प्लेट का पार्ट है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा इंडियन प्लेट का पार्ट है, तो हम उसे बॉर्डर कह सकते हैं ये, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार जो है ये आपका हिमालय का ही अंश है। कहता है ये द्वीप यानी अंडमान जो द्वीप, अंडमान निकोबार हम देख चुके हैं, अब हम आते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप के पास। कहता है यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाली खाड़ी से पृथक करता है। जो आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप ये आपका आंध्र प्रदेश में बना हुआ था यहाँ पे है ना। तो कहता है यह द्वीप जो है आपका पुलिकट झील को बंगाली खाड़ी से अलग करता है, यानी कुछ इस प्रकार से झील बनी हुई है जो कि बंगाली खाड़ी से उसको अलग करती है। कहता है यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ठीक है, ये मैंने बताया आपको। कहता है तमिलनाडु में स्थित राम सेतु, अब तमिलनाडु की बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण की, तो यहाँ पर आपका राम सेतु, तो भारत का जो छोटा सा पार्ट है ये कुछ ऐसा, तो यहाँ पर हम जूम कर दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये जो इंडिया का पार्ट है ये
रामेश्वरम तक गया है ये, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बना हुआ, राम सेतु, जिसे हम एडम ब्रिज भी बोल सकते हैं। कहते तमिलनाडु पर स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर, पंबन द्वीप ये क्या है आपका, ये है आपका पूरा पंबन द्वीप, ठीक है। पंबन द्वीप के अंतिम छोर का क्या नाम है, धनुषकोडी। धनुषकोडी से प्रारंभ होकर ये कहां तक जाता है, श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाता है, ठीक है। और यहाँ कहाँ जोड़ता है, तलाई मन्नार में जोड़ता है। तो ये क्रम से लगाने को भी आया कि पहले कौन से द्वीप पड़ते हैं, ठीक है। पंबन द्वीप में पड़ता है आपका रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद फिर आएगा धनुषकोडी, धनुषकोडी के बाद फिर आपका आएगा एडम ब्रिज, एडम ब्रिज के बाद फिर आपका आता है तलाई मन्नार, और फिर आपका मन्नार, ठीक है। ये क्रम भी लगाने को आया हुआ है। और जो ये जल संधि, इसे क्या बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं, ठीक है। तो धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला के रूप में उथले उथले जली भाग के रूप में विस्तारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे भारत श्रीलंका से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। भारत का जो अंतिम पॉइंट है श्रीलंका के दिशा में, ये कौन सा, धनुषकोडी है, ठीक है। इसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे जो पुलिकट झील के बारे में चर्चा की हमने, ये है आपका पुलिकट झील है ये, ठीक। ये पुलिकट झील है, बनी हुई है। और ये आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और ये आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है, जो कि बंगाल की खाड़ी से पुलिकट झील को अलग करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब थोड़ा चैनल देख लेते हैं हम लोग। जो 8 डिग्री चैनल है, ये मिनिकॉय वो मालदीव के मध्य स्थित है, यहाँ पर, सॉरी अभी एमसी को करेंगे हम लोग। जो चैनल है आपका 8 डिग्री चैनल, ये पूछता है किसको किसको अलग करता है। मिनिकॉय ये भारत का हिस्सा है, और मालदीव ये दूसरा देश है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सी चैनल है, 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है, यानी लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल। जो 10 डिग्री चैनल है, ये हमने देखा अंडमान और निकोबार, यानी लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है। डक्कन पैसेज कहाँ पर स्थित है, ये आपका लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है, यानी आपका छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान। अगर हम बात करें, हमने देखा था आपका नॉर्थ अंडमान, फिर आपका मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, और फिर लिटिल अंडमान। तो जो यहाँ पर बात कर रहा है आपसे दक्कन पैसेज की, तो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान यानी छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इसके मध्य क्या है, डक्कन पैसेज, पैसेज, ठीक है। यहां से यानी पास एक दर्रा बना हुआ है, तो उसे पासेज बोला गया है, ठीक है। अगला कहता है कोको जल संधि या कोको चैनल, ये कोको द्वीप ये म्यांमार के पास पड़ता है, और वह उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान यहाँ, ये नॉर्थ ऑफ अंडमान है, यहाँ पर कोको चैनल है जो कि म्यांमार का पार्ट है, उस पर चाइना कब्जा किए हुए है, दिखाते हैं आपको। ये अंडमान है, तो यहां पर है आपका कोको चैनल, ठीक है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, यानी भारत और श्रीलंका के बीच, अभी हमने देखी ही थी पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी, ये भी आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो जो आपके ये प्रमुख द्वीप है, बाकी बंगाल की खाड़ी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित जो हम एमसीक्यू करेंगे वहां से हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है। तो आते हैं टॉपिक पे, एमसीक्यू सीरीज में आते हैं। कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर, जिसे हिंदी में पल्याण शिखर और इंग्लिश में सैडल पीक, कभी कभी सैडल पीक ही लिख दे देगा, या फिर ये पल्याण शिखर दे देगा, तो हम लोग फिर कर नहीं पाएंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना होता है कि कौन कौन से क्या नाम से बुलाते हैं। तो सैडल पीक की बात कर रहा था, ये कहाँ पर था, ये आपका नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान जो था आपका, है ना, यहाँ पर स्थित था, तो यहाँ पर आपका क्या है, सरल पी, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ यानी उत्तरी अंडमान में, और राजधानी जो थी आपकी साउथ अंडमान में थी। कहता अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो सरल पी की सबसे ऊंची चोटी है। कहता अंडमान व निकोबार बंगाली खाड़ी के दो द्वीप हैं, बंगाली खाड़ी के द्वीप समूह हैं, अरब सागर के द्वीप है ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हिंद महासागर के दो द्वीप हैं, तो दो द्वीप नहीं है, है ना, दो द्वीप समूह हैं, ये सही है, ठीक है।
कहता है 10 द्वीप समूह किसको उसको अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चयन अलग करता है। अगर हमने उच्च एनालिसिस नहीं किए होते, नहीं पढ़ा हुआ होता, तो एमसीक्यू करने में हमको बार बार मैप देखना पड़ता। अब हम एक बार कर चुके हैं तो हमको बार बार मैप नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में बस जाता है। ठीक है, तो जो आपका 10 डिग्री चैनल है वो किसको किसको अलग करता है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। नहीं, 10 डिग्री चैनल से पूछा है तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। किसको अलग करता है, अंडमान और निकोबार को। ठीक है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है, दक्कन पास, दक्कन पैसेज अलग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है बैरन द्वीप स्थित है, बैरन एक आपका कैसे, ये आपके ज्वालामुखी द्वीप था है ना, और ये कहां पर था आपका, ये बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार के सामने था। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है, तो किसका, बैरन का हुआ है। ठीक है, और नारकोडम का हुआ है। अगर बी में ऑप्शन ये भी देता तो सी में क्या देता, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन कहता है श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, चिल्का झील के पास, नहीं उड़ीसा झील, ए चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील के पास, पुलिकट झील के पास ही स्थित है ना, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कहता राम सेतु शुरू होता है, देखिए क्वेश्चन आ गया ना जो मैंने बताया था आपको कि उसका क्रम भी लगाने को आया है, हालांकि क्रम वाला क्वेश्चन इसमें नहीं है लेकिन क्रम लगाने को भी आया है। पूछ रहा राम सेतु शुरू होता है कहाँ शुरू होता है, धनुषकोडी से, धनुषकोडी से। ठीक है, खत्म कहाँ होता है, तलाई मन्नार। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। देखिए मैंने क्वेश्चन एक बताया था ना आपको कि यहां से आपका जो है इंडोनेशिया पास पड़ेगा। अब उन इंडोनेशिया में 4 बड़े बड़े द्वीप हैं है ना, सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, कालीमंतन द्वीप है, तो सबसे नजदीक कौन सा पड़ेगा, सुमात्रा द्वीप। ये आपका सुमात्रा द्वीप ही था, यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वही मैं दिखाता हूँ आपको, तो वो आपका सुमात्रा द्वीप ही था जो कि सबसे नजदीक था किसके, ग्रेट निकोबार के। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, वो मैं मैप दिखाता हूँ अभी आपको कहाँ के हम बात कर रहे हैं। ये देखिए यहां तक आपका क्या खत्म हो गया, निकोबार खत्म हो गया। अब इसके पास जो पड़ रहा है ये क्या है, ये है आपका सुमात्रा द्वीप। ठीक है, तो इस वीडियो हमने लगभग अंडमान निकोबार और बंगाली खाड़ी के पूरे द्वीप समूह कवर कर ली है। आप अच्छे नोट्स बनाइएगा और इसको कवर करिएगा, आपको जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।